अस्सलाम वालेकुम। आज के ट्यूटोरियल में हम बिट मैप के जरिए फ्लोर प्लान को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम स्केचअप ओपन किया, हम फाइल में आए, इंपोर्ट, और ये हमारे पास फ्लोर प्लान है। इसको हमने किया और यहाँ पे हमें एक चीज आपने याद रखनी है कि हमें इसको टेक्सचर में करना है। हमने इसको इम्पोर्ट कर दिया, बल्कि इम्पोर्ट करने से पहले एक चीज आपने और ध्यान रखनी है कि आपने इसको पहले एक रेक्टेंगल लेना है, और हमने इस रेक्टेंगल को यहाँ पे ड्रा करना है। उसके बाद हमने इसको इंपोर्ट में जाना है, हमने फ्लोर प्लान लेना है, टेक्सचर लेना है और इसको इंपोर्ट कर देना है, और लेफ्ट क्लिक करके हमने इसको यहाँ पे ड्रा कर देना है ये। लेकिन ये हमारे पास एग्जैक्टली ड्रा नहीं हुआ, तो हम एक और काम करते हैं कि हम इसको इस एज को करते हैं और मूव टूल के जरिए थोड़ा सा पीछे लेके आते हैं। तो ये हमारे पास ड्रा हो गया। तो अभी हमने अगर इसके ऊपर 3D ऑब्जेक्ट बनाना है, लाइक हमने किचन और ये रूम वगैरह बनाने हैं, तो अभी ये एग्जैक्ट जो है साइजेस के ऊपर नहीं है। हम इसको टैप मेजरमेंट टूल से चेक कर लेते हैं, और जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं यहां से लेकर यहां तक, तो ये बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन हमें 40 फुट चाहिए। तो हम सिंपल क्लिक करेंगे 40 फीट, और ये हमारे पास आ रहा है। डू यू वांट टू रिसाइज द मॉडल, हमने करना यस, क्योंकि जब हम यस करेंगे तो वो उसको रिसाइज कर देगा। ये देखें, अब ये हमारे पास रिसाइज होके आ गया। अब हम देखते हैं कि इसकी कितनी है लेंथ, ये देखें 40 फीट, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास 40 फीट पे आ रहा है। तो अब हम जाके इसके ऊपर एक्चुअल जो है एक्चुअल डिजाइन बना सकते हैं, और वो डिजाइन बिल्कुल एग्जैक्ट इन साइजेस के ऊपर होगा। उम्मीद करते हैं ये ट्यूटोरियल आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।